साई राम, आपका अपने चैनल साई टेरो 777 में स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम पूनम वर्मा है और यहाँ पे हम सितंबर माह की रीडिंग करने वाले हैं आपके लिए। सितंबर माह में कैसी एनर्जी रहेगी, आपके लिए क्या लेके आ रहा है, और रीडिंग के लिए हमेशा की तरह मैंने यहाँ पे तीन पाइल्स रखी हुई हैं। फर्स्ट पाइल, सेकेंड पाइल एंड थर्ड पाइल। तो इन बुद्धाओं को तो आप जानते हैं क्योंकि आप लोग तो इनसे मिल भी चुके हैं, ठीक है। तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके एक पाइल को चुन लीजिएगा। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कीजिएगा। मैं फ्री रेकिंग वर्कशॉप स्टार्ट कर रही हूँ, लेवल 1 लेवल 2 का। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की हुई है, आप सीधा ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा टेरोट का बेसिक लेवल का एक फ्री वर्कशॉप है 1 सितंबर को। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इस फ्री वर्कशॉप को, टेरोट कार्ड सीखना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैंने लिंक शेयर किया है, उसके भी ग्रुप का, तो आप सीधा वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हाय पाइल वन, तो जिन्होंने ये पाइल वन चुनी है तो उनके लिए क्या टेरोट की गाइडेंस आ रही है, चलिए देखते हैं पाइल वन के लिए क्या टेरोट की गाइडेंस है, इनके सितंबर माह की क्या एनर्जी रहने वाली है। सितंबर माह में उनकी क्या एनर्जी रहने वाली है, पाइल वन के लिए क्या सितंबर में एनर्जी रहने वाली है। यहाँ पे काफी कार्ड्स गिर गए, फाइल बन गई है। आई थिंक ये कार्ड आना चाहता है तो मैं इसको ले लेती हूँ। 6 ऑफ कप्स है, तो यहाँ पे मुझे बहुत ही पास्ट की वाइब्स आ रही। कोई ना कोई आपका एक्स अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो सितंबर माह में आपके एंट्री ले सकता है, आपके जीवन में दोबारा री एंट्री ले सकता है। चलिए और देखते हैं कि पाइल वन के लिए सितंबर माह में क्या एनर्जी है। ओके, पाइल वन पास्ट में मुझे दिख रहा है काफी कंफ्यूज रहे हैं, काफी परेशान रहे हैं अपने पास्ट को लेकर। और इस समय आपके लिए जो कार्ड्स आए ना, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। जो भी आपने झेला है, जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि किन्हीं लोगों के बीच में, दो लोगों के बीच में किसी, कुछ लोगों ने भ्रम पैदा किया, एक दीवार खड़ी की, उनके गलत फहमियां पैदा की और जिसकी वजह से वो दोनों अलग हो गए थे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मुझे वाइब्स दिख रही है कि वो जो आपके पार्टनर थे, चाहे वो आपके बिजनेस में हो या आपके रिलेशनशिप में हो, या आपके माता पिता भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जिससे भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिससे भी आप पास्ट में किन्हीं के गलतफहमियों की वजह से या आपकी खुद की गलतियों की वजह से आप उनसे दूर हो गए थे, तो यहाँ वो आपके पास वापस आते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपने जो भी किया है, जो भी आपने झेला है, उसका कहीं ना कहीं अंत हो रहा है और अब ये समय आ गया है कि आपके सारे कर्मों का आपको फल मिलेगा। यहाँ पे आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है क्योंकि मुझे ये तुला पे मेरा ध्यान गया और ये इंडिकेट करना है जो भी होगा ना वो सब न्याय से होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो बैठी है ना, वो सबको एक आंख से देख रही है, ये कोई पक्षपात नहीं करती। तो ये भगवान जो है ना, अब कोई भी पक्षपात आपके साथ
नहीं होने देंगे। जिन्होंने आपके पास लाइफ में, आपके पार्टनर के बीच में या आपकी बिजनेस में भ्रम पैदा किए, गलतफहमियां की, जिसकी वजह से आप अलग हुए, उनको उनके कर्मा वापस होंगे जो उन्होंने आपके बीच में किया था। जो गलतफहमियां पैदा की थी ना, वो अब उनके पास जाएगी, अब उनके उनके रिश्ते में कहीं ना कहीं खटास होगी, वो सारा उनको कर्मा उनको रिटर्न्स होंगे। ठीक है, यहाँ किन्हीं लोगों की मुझे दिख रही है कि इंगेजमेंट भी हो सकती है। इस फाइल से मुझे इंगेजमेंट भी होती हुई दिख रही है। अगर बहुत दिनों से आप अपनी शादी के लिए सोच रहे थे तो यहाँ पे आपका रोका हो सकता है, आपकी इंगेजमेंट हो सकती है, आपके पास्ट लाइफ से भी हो सकते हैं और आपके न्यू लाइफ से भी हो सकते हैं कि आपको क्यों कोई न्यू पर्सन होगा, लेकिन यहाँ पे पास्ट लाइफ के ज्यादा वाइब्रेशन मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि बहुत दिनों से अगर आप घर के लिए सोच रहे थे, अपना घर चाहते थे, तो यहाँ आपके लिए घर भी मैनिफेस्ट होते हुए मुझे दिख रहा है। सितंबर में कहीं ना कहीं आप अपने घर की नई शुरुआत कर सकते हैं, या आप घर में कुछ चेंज करना चाहते थे तो हो सकता है कि आप सितंबर माह में कुछ ना कुछ आप घर में चेंज करें, रिनोवेशन करें। ठीक है, चलिए आपके एंजल्स कार्ड देख लेते हैं, आपके एंजल्स कार्ड क्या कह रहे हैं। यहाँ आपकी बहुत बड़ी मुझे विक्ट्री दिख रही है, बहुत बड़ी सक्सेस दिख रही है। कुछ लोगों ने आपके साथ इतना गलत किया, अगर कोई और बंदा होता ना, वो टूट जाता, पर आप टूटे नहीं, आप विश्वास से आगे बढ़ते रहे और ये एनर्जी आप डिजर्व करते हो। इस लव को, इस पार्टनरशिप को, इस रिलेशनशिप को आप डिजर्व करते हो। चलिए पाइल वन के लिए एंजल मैसेज क्या है। करेज एंड ब्रेवरी, रोमांस एंड कनेक्शंस। वाओ, देखिए यहाँ पे दो लोग अपने इमोशन को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, और ये कार्ड भी देखिए, ये दोनों अपने आपस में एनर्जी को शेयर कर रहे हैं, ये दोनों अपनी एनर्जी शेयर कर रहे हैं, ये दोनों शेयर कर रहे हैं, यहाँ आप शेयर कर रहे हैं, यहाँ आप की दोनों की एनर्जी जो है ना वो एक में ज्वाइंट हो गई है। ठीक है, और जो बंदा आपको छोड़ के चला गया था वो पास्ट में से आके री एंट्री लेता है, लेकिन उसको अपनी लाइफ में दोबारा री एंट्री की परमिशन देना, ये भी बहुत बड़े साहस की बात है। इसमें बहुत बहादुरी लगती, बहुत साहस लगती है, और आपने वो साहस दिखाया, इसीलिए आप इस लेवल तक पहुंचे हो। ठीक है, आपने, आपका वो बंदा जब वो छोड़ के गया ना, तो आप टूटे नहीं, ना ही आपने उसको पलट के कुछ जवाब दिए, ना उसको कुछ गलत कहा, और उसी वजह से कहीं ना कहीं वो आपके पास लौट के आए, फिर भी आपने उन्हें माफ किया। यहाँ मुझे आप दिख रहा है, आप उन्हें माफ करके आप उन्हें सेकंड चांस दे रहे हो, और माफ करना बहुत ही साहस का काम है, और आप ये कर रहे हो, और इसी वजह से आपको ये एनर्जी मैनिफेस्ट हुई है। तो बहुत बहुत बधाई हो। एंड यहाँ पे ये एनर्जी देखिए, यहाँ पे एक लॉयन एंजल है, शेर का चेहरे का एंजल है, और ये शेर का, अगर आप टेरो कार्ड्स की थोड़ी सी समझ रखते हैं, तो ये जो सिंबल है ये फिजिकल रिलेशन को बताता है। ठीक है, तो ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे वो बंदा आया है, मैरिज आपकी पॉसिबल हुई है, और उसके बाद में आप फिजिकल रिलेशनशिप में भी आगे बढ़ सकते हो अगर आप चाहते हो। और यहाँ भी देखो, ये दोनों एनर्जी आपस में मिल गई हैं। यस, आप वो सब कुछ डिजर्व करते हो और आप वो सब पाओगे। ठीक है, तो ये सितंबर का महीना प्यार के लिहाज से आपके लिए बहुत बड़ा साबित होने वाला है। बिजनेस के हिसाब से देख रहे हैं तो बिजनेस भी आपके
ग्रो करेगा, अगर पार्टनरशिप बिजनेस में है तो काफी ग्रो करेगा, और आप जो भी एफर्ट्स लगा रहे हैं वो सब आपके रिटर्न्स होंगे, आपके गुड कर्म्स रिटर्न्स होंगे। जो अगर किसी काम को लेकर डर रहे हो तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, करेज रखिए, ब्रेवरी रखिए, आप जरूर जीतेंगे। ठीक है, तो पाइल वन ये था आपके लिए रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपने ये पाइल चुनी थी या नहीं। ठीक है, तो मैं आपको मिलूंगी आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हाय पाइल टू, तो जिन्होंने ये पाइल टू को चुना है तो चलिए उनके लिए जानते हैं कि टेरो कार्ड से क्या गाइडेंस आ रही है पाइल टू के लिए। टेरो कार्ड से क्या गाइडेंस है पाइल टू, पाइल टू के सितंबर माह में क्या एनर्जी रहने वाली है, सितंबर माह उनके लिए क्या लेकर आ रहा है। पाइल टू के सितंबर माह में क्या एनर्जी रहेगी, सितंबर माह क्या लेके आ रहा है। ओम से ओके, एक ऑफ कप्स, बहुत सारी हीलिंग। अगर पास्ट को लेकर काफी आप हर्ट थे, कहीं ना कहीं आपके लिए हीलिंग ब्लेस हो रही है सितंबर में। ओ वाओ, सिक्स ऑफ कप्स, क्या भाई, मुझे लगता है कलेक्टिव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और इसीलिए मुझे लव वाइज ज्यादा कार्ड मिल रहे हैं। पाइल टू के लिए सितंबर माह की क्या संदेश है। ओके, देखिए मैं बोल रही थी ना, कलेक्टिव में काफी लोग ऐसे हैं जो खासकर इस वीडियो को जो देख रहे हैं वो लव के लिए देख रहे हैं। पाइल वन में भी काफी ज्यादा लव वाइव्स थी और इस पाइल टू में भी लव वाइव्स है, और जैसा कि पाइल वन में मैं बोल रही थी कि उनके एक्स वापस आ सकते हैं, तो यहाँ भी मुझे एक्स उनके वापस आते हुए दिख रहे हैं। जो बहुत ज्यादा आप पास्ट में हर्ट हुए थे, तो कहीं ना कहीं आपकी इमोशनली हीलिंग इस सितंबर को होगी, और वो क्यों होगी, क्योंकि आपके एक्स वापस आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उसी खुशी में आप हील हो रहे हो। ठीक है, कुछ लोग अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, अपने स्किल्स को ऐड कर रहे हैं, और कुछ लोग विपरीत स्थितियों में भी मुस्कुराना जानते हैं। जैसे ये कमल आप देख रहे हैं, ये कमल जो देख रहे हैं ना, ये कमल किस पे खिलते हैं, कीचड़ में खिलते हैं, और कीचड़ कोई अच्छी जगह नहीं होती, फिर भी वहां पे खिलते हैं, यानी विपरीत स्थितियों में भी जो मुस्कुराता है वही कमल है, और आप वही कमल हो। और इसी वजह से जो आपके अंदर कला है विपरीत स्थितियों से भी डट के मुकाबला करना, अपने आप को निखारना, अपनी नॉलेज को बढ़ाना, और उसी आपकी स्किल्स की वजह से आपके जो एक्स थे ना, जो आपके प्यार हैं, वो आपसे प्रभावित हो रहे हैं और वो आपके पास वापस आ रहे हैं, और आपका रिलेशनशिप जो है ना इसमें मैनिफेस्ट हो रहा है। किंग ऑफ कप्स, जिसने सारे अप डाउन्स को कंट्रोल में अपने आप को कर लिया है, सारी सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया है। देख रहे हैं कैसे इसने थ्रोन पे एक वेंट को पकड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो ये वेंट क्या है, इसके देखिए नीचे कितने इमोशनल अप डाउन है। इसकी परिस्थिति कुछ अच्छी नहीं है, पर इसने सारी स्थितियों को अपने काबू में किया हुआ है। ठीक वैसे ही आप काबू में करते हुए दिख रहे हैं। बिजनेस में कोई अगर आपको घाटा हुआ था तो कोई पास से आएगा जो आपके बिजनेस में आपकी हेल्प करेगा, और आप इसमें इस बिजनेस में जो भी आपके
अप डाउन्स चल रहे हैं ना, वो आप कंट्रोल कर लोगे, ठीक है। थोड़ा सा जो भी घाटा हुआ तो उसको थोड़ा सा आप मंथन कीजिए, क्यों ऐसा हुआ, क्या गलतियां हुई, उन गलतियों को सुधारिए। अगर कहीं ना कहीं आपको अपनी मार्केटिंग में थोड़ा सा नॉलेज लगता है कि कम है, तो उस नॉलेज को जरूर बढ़ाइएगा, ठीक है। सेकेंडली, अगर आप किसी जॉब के लिए सोच रहे हैं तो आपको जॉब भी मैनिफेस्ट होते हुए मुझे दिख रही है। अगर आपने पास्ट में अभी कोई एग्जाम दिया है तो कहीं ना कहीं आप उस एग्जाम को क्लियर भी करेंगे, अच्छे नंबरों से पास भी करेंगे, और आपको उसी एग्जाम की बदौलत हो सकता है कि आप जॉब भी हासिल करें। और ये जॉब सिर्फ आपकी अर्निंग नहीं को नहीं है कि आप सिर्फ अर्निंग करेंगे, यहाँ पे आप मेंटली भी सेटिस्फाइड होंगे कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। जरूरत क्या है, थोड़ा सा आपको एफर्ट्स करने के होंगे, एक्शन लेने होंगे। अगर आप बैठे बैठे हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे और सोचेंगे कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, तो नहीं। यहाँ पे आपके लिए क्लियर मैसेज है, थोड़ा सा आपको एक्शन लेने की जरूरत है। ये जो राजा है होता है ना, ये राजा अपनी भावनाओं को कंट्रोल में करता है, और कैसे कंट्रोल करता है, क्योंकि उसने अपने अपने माइंड को, अपने हार्ट को कंट्रोल में किया है, और उसके बाद में उसने लोगों को ऑर्डर दिए। वो इस काबिल तभी बना है कि क्योंकि उसने अपने आप को पूरी तरीके से कंट्रोल में किया हुआ, और जब उसने कंट्रोल किया तब ही वो राजा बन पाया है, ठीक है। तो यहाँ आपके लिए क्लियर मैसेज है, थोड़ा सा अपने अप डाउन जो भी हो रहे हैं, मेंटल हेल्थ को लेकर जो भी इश्यू बने, उनको थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, और जो भी नया आ रहा है आपकी लाइफ में, पास्ट से हो या नया हो, किसी किसी को नया भी लव हो सकता है, नया लव हो सकता है, नया जॉब हो सकता है, तो उसमें डरना नहीं है, रिस्क लेना है और रिस्क लेकर आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए आपके लिए एंजल मैसेज देख लेते हैं, पाइल टू के लिए क्या एंजल मैसेज है। पाइल टू के लिए क्या एंजल मैसेज है, पाइल टू, इस बार प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको काम करना है, ठीक है। अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ में आप काम नहीं कर रहे हैं, तो एक बार फिर से आप कुछ छोड़ देंगे, कुछ मिस कर देंगे, ठीक है। तो वो मिस ना होने पाए, इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी स्किल को डेवलप करें, प्रॉपर प्लानिंग से काम करें, चाहे वो किसी में, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे लव में हो, चाहे आपके बिजनेस फ्रंट में हो, चाहे आपके करियर फ्रंट में हो, ठीक है। चलिए आपके लिए एंजल मैसेज देखते हैं, पाइल टू के लिए एंजल मैसेज। मदर, फादर, गॉड, यूनिवर्स की तरफ से आपको मदद मिलते हुए दिख रही है। देखिए कैसे ये हाथ बढ़ा के यूनिवर्स से मदद मांग रही है। तो कोई अगर लाइफ में ऐसा कार्मिक सर्कल चल रहा अगर है, तो उस कार्मिक सर्कल से निकलने के लिए आप अपने एंजल्स के, अपने माता पिता के, अपने भगवान की मदद मांग सकते हैं। यहाँ पे वो मदद मांग रही है, और आपको भी मदद मांगने की जरूरत है। ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ बहुत जल्दी जल्दी चेंज होने वाली है, बहुत बड़ा बदलाव आने की आसार दिख रहे हैं। और वो बदलाव क्यों है, क्योंकि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप एंजल से प्रेयर कर रहे हो, और इसलिए आप ना सिर्फ अपनी हीलिंग कर रहे हो, लोगों को माफ कर रहे हो, और अपनी लाइफ में नेगेटिव निकाल करके अपने लाइफ में एक ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, एक लाइफ में बदलाव कर रहे हो। और वो बदलाव क्यों आया है, क्योंकि आपने अपने इमोशनल को कंट्रोल किया है। आप इस एनर्जी में हो, और इस एनर्जी में रहने के लिए आपने काफी कुछ सहा है, काफी कुछ कंट्रोल किया है, और इसी वजह से आपको ये एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है, ठीक है। यहाँ आपने कार्मिक सर्कल को रिलीज करते हुए दिख रहे हैं। और अगर आपको अभी भी लग रहा है कि आपके कार्मिक पैटर्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ आप अपने माता पिता, अपने भगवान, अपने एंजल से हेल्प मांग सकते हैं,
ये बंदी कैसे देखिए हेल्प के लिए मदद के लिए हाथ बढ़ाए है, ऐसे ही आपको अपने हाथ उठाए जो ईश्वर की तरफ बढ़ाने हैं। जब आप भगवान से मांगते हैं तभी आपको भगवान देते हैं, ठीक है। तो भगवान से मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए, माता पिता से मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए, अपने भगवान से भी मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो यह पाइल टू, ये था आपके लिए मेरा मैसेज, तो मेरी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आए, आपको वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपने ये पाइल कमेंट में चुनी है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और रेकी वर्कशॉप का अगर आप करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर की है, तो आप वहां पे जाके सीधा डायरेक्ट आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपको मिलूंगी आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, ओम साईं। हाय पाइल थ्री, तो जिन्होंने ये पाइल थ्री जिन लोगों ने चुनी है तो उनके लिए देखते हैं सितंबर माह के लिए क्या गाइडेंस है, सितंबर माह में उनकी क्या एनर्जी रहने वाली है पाइल थ्री की, पाइल थ्री की सितंबर माह में क्या एनर्जी रहने वाली है। ओम साई राम, ओम साई राम। पाइल थ्री की सितंबर माह में क्या एनर्जी रहने वाली है, यहाँ पे दो कार्ड्स थे इसीलिए मैंने इनको वापस ले लिए। ओके, द डेविल कार्ड शो करता है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत बेचारा महसूस कर रहे हैं, किसी बंधन में अपने आप को समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके कुछ ग्रह नक्षत्र भी मुझे हो दिख रहा है कि आपके फेवर में नहीं है। ये देखिए एट ऑफ स्वॉर्ड, ओके पाइल थ्री, क्या ऐसा है, क्या ऐसा कर रहे हो जो आपकी लाइफ में इतनी ज्यादा स्टकनेस है, अपने आप को इतना बंधन में जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हो, यहाँ भी बंधन में हो और यहाँ भी बंधन में हो। सितंबर माह में ऐसी क्यों एनर्जी वे आपको मैनिफेस्ट हो रही है, ये बहुत सारे कार्ड्स हैं तो मैं यहाँ इन कार्ड्स को नहीं लूंगी। पाइल थ्री के लिए सितंबर माह में क्या एनर्जी रहने वाली है, पाइल थ्री सबसे पहले तो अपने आप को इतना गलत मत आकिया, इतना हीन भावना में मत रहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा हीन भावना में हैं। यहाँ द डेविल कार्ड में भी मुझे शो हो रहा है कि आपने अपने अंदर नकारात्मकता तो पूरी भर ली है, और जब आप खुद ही इतना नकारात्मक हैं तो आपके ग्रह नक्षत्र भी आपके लिए वैसे ही होते जाएंगे, और इसीलिए ग्रह नक्षत्र भी आपके फेवरेबल नहीं हो पा रहे हैं। क्यों इतना अपने आप को बेचारा महसूस कर रहे हो, यहाँ भी आप बंधन में हो, हाथ पाओ सब अपने आप को बांधो, कहीं ना कहीं आप क्यों अपने आप को इतना फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। देखिए यहाँ आप देखिए ये दोनों बंधे हुए हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं, बट अगर देखा जाए इनके हाथ पांव सब खुले हैं, इनकी गले की जंजीर देखिए जरा, इनकी गले की जंजीर जो है ना ढीली है, वो अपने हाथ से आराम से उसे गले से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो अपने आप को इतना हीन समझ बैठे हैं कि वो प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन की तरफ देख ही नहीं रहे। हर समस्या का एक हल होता है, पर यहाँ पे क्या है ना, आप हल नहीं देख रहे हो,
और इसी वजह से कहीं ना कहीं आपके दिमाग में इतने नेगेटिव विचार भर चुके हैं कि आप डेविड मोड में चले गए हो। यहाँ देखिए, ये लड़की, इसके हाथ पांव इसके बंधे हुए हैं, इसकी आंख पे पट्टी हुई है और ये चारों तरफ देख रही है कि मेरे आगे चारों ओर दीवार है, परंतु इसको नहीं दिख रहा है कि जिस तरफ मुंह करके खड़ी है उस तरफ कुछ भी नहीं है, वो आराम से निकल सकती है ना, वो अपनी मदद खुद कर सकती है और वो मदद नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि वो तो नकारात्मक हो चुकी, उसकी तो सोच ही नेगेटिव हो चुकी है और जिसकी सोच ही नेगेटिव हो चुकी है उसको कहां से हल मिलेगा। कुछ लोगों की मुझे दिख रही हैं कि अपने बच्चों के लेके परेशान हैं। यहाँ पे मुझे बच्चे नजर आए बहुत सारे, देखिए यहाँ भी बच्चे हैं, यहाँ भी बच्चे हैं, यहाँ भी बच्चे हैं, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग अपने बच्चों की हेल्थ को लेकर परेशान हैं और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो तकलीफ में हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी हेल्थ काफी खराब है और आप अपनी हेल्थ की वजह से, इश्यू की वजह से आप अपने बच्चों के कहीं ना कहीं फ्यूचर को देख नहीं पा रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो। ठीक है, कुछ लोगों के मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनके परिवार में कोई फीमेल फिगर है, कोई स्त्री शक्ति है जो इनको कंट्रोल किए है, उनके सोचने समझने की शक्ति को कंट्रोल किए है और जिसकी वजह से ये अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रही है। कोई भी फीमेल पर्सन हो सकता है जिसने आपको कंट्रोल कर रखा है, इतना ज्यादा आपको कंट्रोल कर रखा है कि आप उसकी ही जी हजूरी करते हो, जो वो कहती है वही करते हो, उसके आगे के बारे में आप सोच ही नहीं पा रहे हो और उसी ने आपके चारों ओर बाउंड्री क्रिएट कर ली है और उसी ने आपको इस लेवल तक बांध रखा है। यहाँ आपके जो अंदर हीन भावना हो गई ना, उसने आपको जो बोला है ना कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम प्यारे नहीं हो, तुम ये कर नहीं सकते, तुम वो नहीं कर सकते, उसकी वजह से जो हीन भावना हो गई है ना, इस एनर्जी को आप ही तोड़ सकते हो, इसे आप मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो और इसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आपको पहले अपने विचारों को तोड़ना होगा, अपने विचारों को आजाद करना होगा। अपने बच्चे का फ्यूचर देखना चाहते हो तो सबसे पहले नेगेटिव थिंकिंग को छोड़िए, अपने आप को पहले बेचारा बनाना छोड़िए, आप बेचारे नहीं हो, आप शेर हो। ठीक है, और जिस दिन आप इस बात को रियलाइज कर लोगे ना, उसी दिन आप इस एनर्जी से निकल जाओगे। बहरहाल सितंबर माह में आपके अंदर ये नेगेटिव पावर जो है वो काफी हावी होती हुई मुझे दिख रही है और इस पर आपको अपने आप को कवर करना है। ये क्वीन आप देख रहे हो, ये भी कैसे अप डाउन्स जो इसके हैं मेंटल के, उसको कंट्रोल किए हैं। ठीक है ना, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको इन जंजीरों को तोड़ना होगा, ये जो चैलेंज है ना इनको निकाल के फेंकने होंगे, तभी आप कुछ कर सकते हो। अगर आपके कुछ भी डिजायर है, कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपके लिए यही है सजेशन कि सबसे पहले अपने आप को बेचारा मत समझिए, अपने कॉन्फिडेंस को गेन कीजिए और इन चैलेंजेस को पार करने के लिए इस जंजीर को तोड़िए। ठीक है, पाइल थ्री, चलिए आपके लिए एंजल्स कार्ड देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज आ रहे हैं सितंबर माह में। पाइल थ्री के लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज आ रहे हैं। देखिए, सितंबर माह आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, लेकिन वो बदलाव कब होगा? जब आप इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे, अपने कॉन्फिडेंस को लाएंगे तो ट्रांसफॉर्म होंगे, बदलाव आएगा और वो बदलाव तब आएगा जब आप अपने अंदर खुद बदलाव लाएंगे। ये देख रहे हैं ना, ये बदलाव का कार्ड है, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए, दोनों हाथ फैला के वो यूनिवर्स से सहायता मांग रही है, अपने भगवान से सहायता मांग रही है, तो भगवान से सहायता मांगिए और
एक बात का भी ध्यान रखिएगा, भगवान भी उसी की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता खुद करते हैं। ठीक है, चलिए पाइल टू के लिए सेकंड कार्ड देखते हैं। पावर एंड इंटेंशन, ठीक है, यहाँ पे आपके लिए कितना बड़ा कार्ड आया है, पावर एंड इंटेंशन। तो कुछ भी आप चाहते हैं, इस बंधन से आजाद होना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी इंटेंशन को सही कीजिए, ठीक है ना। अगर आप पॉजिटिव इंटेंशन से काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको वो सारी पावर दी जा रही है जो जिसके दम पर आप इन सभी को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं जिन्होंने आपको हीन भावना में ग्रस्त कर रखा है। ठीक है, और इसके लिए क्या करना है, अपनी इंटेंशन को पॉजिटिव बनाना है। नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ही आपके सामने हर चीज आएगी। मैं हमेशा कहती हूँ, हर किसी से कहती हूँ, और ये आपसे आज फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, तो नेगेटिव चीजों को सोचना बंद कीजिए। आपके हाथ में ये बैंड देख रहे हैं ना, ये पावर है, ये लाइट है, ये लाइट टॉर्च है, ये आपको दी जा रही है। और इस लाइट टॉर्च के बदौलत, इसकी रोशनी में आगे बढ़ते हुए, इसको फॉलो करते हुए आप वो सब पावर पा सकते हैं। बस अपनी इंटेंशन, यहाँ पे जो ये लाइट टॉर्च है मुझे इशारा कर रही है कैंडल। तो आप कुछ भी अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ भी अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म करना चाहते, बदलाव चाहते हैं, तो यहाँ पे आप कैंडल प्रेयर भी कर सकते हो। कैंडल प्रेयर के लिए कोई भी आप कैंडल लीजिए, उसको अपनी इंटेंशन के साथ जलाइए, अपनी पॉजिटिव इंटेंशन के साथ जलाइएगा। उस कैंडल को जलाते समय पॉजिटिव इंटेंशन रखिएगा, कुछ भी नेगेटिव मत सोचिएगा, अपनी इंटेंशन को साथ के काम करिए, प्रेयर कीजिए, और आपको वो एंजल्स पावर देंगी जो आप डिजर्व करते हो। ठीक है, पाइल थ्री, आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना, अपनी इंटेंशन सेट करना है और कैंडल प्रेयर जरूर करना है। ये जो लेडी है ना, जिसने आपको हीन भावना में ग्रस्त कर दिया है, इसको तो आपको मुंह तोड़कर जवाब देना ही देना है। ठीक है, और इसके लिए आपको अपनी खुद की मदद करनी होगी। तो यह पाइल थ्री, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपने ये पाइल चुनी थी या नहीं चुनी थी, ये पाइल सेक्शन में जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और रेकी फ्री वर्कशॉप अगर आप करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कीजिएगा। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, और आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि ये सितंबर माह की थोड़ी सी रीडिंग, मेरी टाइमिंग जो थी ना छोटी रही थी, क्योंकि काफ़ी ये बिजी शेड्यूल रहा है और बड़ी मुश्किल से मैं टाइम्स निकाल पा रही हूँ। बच्चों की क्लासेस भी ऑनलाइन चलती हैं, थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, और ऊपर से मैं थोड़ी सी टैरोट कार्ड्स को लेकर, रेकी क्लास को लेकर थोड़ा सा मैं वर्कशॉप भी चला रही हूँ, तो उसकी वजह से भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। और अगर आप, एक बार फिर मैं रिमाइंड करा दूं, अगर आप फ्री रेकी वर्कशॉप या टेरोट वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक कीजिएगा, मैं वहां पे व्हाट्सएप लिंक शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, ओम साईं राम।